आज प्रशासन क्या हो गया, आज मोदी में हो गया। आज उद्घाटन नाली का होगा तो पीएम साहब करेंगे, लक्षद्वीप का करेंगे पीएम साहब करेंगे, टॉयलेट का करेंगे पीएम साहब करेंगे। बाकी पार्टियां हैं ये सोच रही हैं कि अगर हम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे तो जो हमारा मुस्लिम वोट है वो हमारे तरफ पड़ेगा, लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये राजनीति खत्म हो चुकी है बहुत पहले। अब जनता कर रही है विकास के नाम पे वोट। ये 9 साल के अंदर ही बने सनातनी, उससे पहले सनातन नहीं था। मुगलों के टाइम सनातन खत्म हो गया था, अंग्रेजों के टाइम सनातन खत्म हो गया था। 2014 से पहले ऐसी तानाशाही राजशाही देखने को मिल रही थी। हाँ मिली थी, इंदिरा गांधी के टाइम में मिली थी। वोट फॉर आज के टाइम में वोट फॉर बीजेपी नहीं है, वोट फॉर मोदी जी है। उस टाइम वोट फॉर इंदिरा थी। मान लो राम मंदिर बन रहा है, अभी ये कहते हैं कि मोदी बना रहा है, मोदी ही सब कुछ है। एक मिनट, अभी ऐसा सारी पार्टियों को वहाँ जाना चाहिए। राजीव गांधी ने भी ताला खुलवाया था उसका, तुम कुछ नहीं कर पाए। दूसरी मान लो और कोई कर रहा है, तुमको सब सारी पार्टियों को हमारा अयोध्या जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक से वोट लेनी है ना। मान लो जब अकेली बीजेपी जा रही है, अकेला मोदी जा रहा है, तो तुम भी जाओ ना, तो तभी तो तुम्हें पब्लिक वोट देगी। इन सब पार्टियों को सद्बुद्धि होनी चाहिए, ये इससे कुछ नहीं होगा कहीं भागने से। जहाँ बीजेपी भाग रही है, राम मंदिर सबका है, पूरे हिंदुस्तान का, सारी पार्टियों को वहाँ जाना चाहिए। सारी पार्टियों को सब चीज़ भुला के अपनी वोट के लिए जाना चाहिए। ये राम या अयोध्या जाएंगे तो उन्हें वोट मिलेगी, अयोध्या नहीं जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगी इन्हें। न्याय यात्रा से कोई फायदा नहीं होगा क्या? राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कोई फायदा नहीं होगा? कुछ नहीं होगा इनसे, कुछ नहीं होगा, अयोध्या मंदिर जाने से होगा। ये पता क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसमें मंदिर उद्घाटन में जाते हैं, ये जो अदर पार्टियां हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, ये सोच रहे हैं कि हम जो बाकी पार्टियां हैं ये सोच रही हैं कि अगर हम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे तो जो हमारा मुस्लिम वोट है वो हमारे तरफ पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये राजनीति खत्म हो चुकी है बहुत पहले। अब जनता कर रही है विकास के नाम पे वोट। ये सोच रहे हैं अगर हम मंदिर उद्घाटन में जाते हैं तो मुस्लिम वोट कटेगा, और ये सोच रहे हैं हमारा एक तरफा मुस्लिम वोटर हमारा है, ठीक है। ये सोच रहे हैं, कांग्रेस भी सोच रही है, अदर पार्टी सपा भी सोच रही है, ये सपा भी सोच रही है और कांग्रेस भी सोच रही है कि मुस्लिम वोटर इनका है। लेकिन ये नहीं पता मुस्लिम वोटर, मैं भी मुस्लिम के लिए कहता हूँ, मुस्लिम भी समझदार है, वो भी वोट देख के करेगा, विकास के लिए वोट करेगा। और आपको आना चाहिए मंदिर उद्घाटन में। शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे? चार शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के चार स्तंभ है, चार शंकराचार्य जिनको हम मानते हैं, जहाँ राजनीति और धर्म में, अब धर्म और राजनीति एक जैसी हो गई है, इसमें राजनीति में धर्म आ गया है, और जहाँ धर्म का मामला आएगा आस्था का विषय कर लेंगे कि भाई रामायण रामचंद्र जी का। अब ये क्रिटिसिज्म है, मोदी जी जाएंगे, एक ने किसी शंकराचार्य ने बोला है कि भाई वो जोड़े से जाएं, और पहली बार हमारे यहाँ फर्स्ट मैन कौन है? हु इज द फर्स्ट मैन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संसद का उद्घाटन कौन करते हैं? यही नहीं, उन्होंने बुलाया नहीं। राम मंदिर में क्यों नहीं बुलाया? ये क्वेश्चन नहीं है, केवल दिमाग में एक बात भर दी गई कि सनातन खतरे में है। खतरे में कौन है? हिंदू खतरे में है। हाँ। ये बात लगातार कही जा रही है पिछले 9 साल से 9 साल से सनातन खतरे में है। मैं ब्राह्मण हूँ, आज के टाइम में मुझे ब्राह्मण की इनकी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हूँ तो इनको आइडेंटिटी दूँ? हु इज द मैन? किसको दूँ आइडेंटिटी? इनको जो तथाकथित बने अभी, ये 9 साल के अंदर ही बने सनातनी, उससे पहले सनातन नहीं था। मुगलों के टाइम सनातन खत्म हो गया था, अंग्रेजों के टाइम सनातन खत्म हो गया था। तो सीधी सीधी बात है कि आपको पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति करनी है, वो अपनी पिच बना रहे हैं, ये अब न्याय यात्रा अपनी पिच बना रही है। हर आदमी का एक पिच है, वोट चाहिए। पब्लिक जो यहाँ बैठे हैं, वो बाबू जी ने बोला मुझे पेंशन मिल रही है, अगले कह रहे हैं जी अब तनख्वाहें बहुत होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, ये भी तो है ना, दोनों चीज़ हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी डाउन हो गया, मुद्दे हैं। मैं लगता है कि एम्प्लॉयमेंट है देश में, बची है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात करना गुनाह है आज के टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट की बात करना गुनाह है, राजद्रोह है, हो सकता है केस हो जाए, महंगाई पे बात करना गुनाह है। आप शासक से नहीं पूछ सकते कि आपने ये किया है, आज प्रधानमंत्री जो केयर फंड है उसके लिए पूछना गुनाह है। हाँ, क्योंकि मना कर दिया खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कि कोई पूछेगा नहीं। हाँ। तो ये गुनाह है, और हम लोकतंत्र नहीं है, ये राजशाही चल रही है, ठीक है, हर जगह होती है, जिसकी सत्ता होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। 2014 से पहले ऐसी तानाशाही राजशाही देखने को मिल रही थी। हाँ मिली थी, इंदिरा गांधी के टाइम में मिली थी। वोट फॉर आज के टाइम में वोट फॉर बीजेपी जी है, वोट फॉर मोदी जी है, उस टाइम वोट फॉर इंदिरा थी। कांग्रेस के टाइम में, ठीक है, कांग्रेस के टाइम भी तानाशाही है, तानाशाही तो हर आदमी करेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब ही संभलेगा, पर वो पब्लिक को परेशान किया यार, वो पब्लिक जो परेशान हो रही है। अब गवर्नमेंट के आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है, 80 करोड़ लोगों को दाल चावल दी जाए, 81 करोड़ लोग हो गए, सॉरी मेरे 1 करोड़ कम हो गया, मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है ज्ञान 18 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिल जाना चाहिए था, 7.5 लोगों को ही मिला है, 7.5 लाख वो मिल गया ना इनको, जो बीजेपी के समर्थक है
बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के लोग हैं या जो बीजेपी को करते हैं, उनको मिल चुका है। अदरवाइज ग्राउंड लेवल के ऊपर यहाँ से वहाँ तक चले जाना। अभी तो ये भी बोला गया BMW जी बहुत ज़्यादा बिक गई हैं, हैं? अरे किन्होंने खरीदी हो भाई? आपने जब भी प्रशासन ने काम किया है, आज प्रशासन क्या हो गया? आज मोदी में हो गया। आज उद्घाटन नाली का होगा तो PM साहब करेंगे, लक्षद्वीप का करेंगे PM साहब करेंगे, टॉयलेट का करेंगे PM साहब करेंगे, रेलवे का करेंगे PM, और मंत्रालय सेतु का उद्घाटन, मंत्रालय खत्म। कृषि मंत्री जब आते हैं, जब किसान धरने पे बैठ जाते हैं, ठीक है, वो खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, उसके बाद आपने इलेक्शन की वजह से वापस लिया गया, अदरवाइज नहीं लेते, ठीक है। ED CBI हर सरकार करती है, हर सरकार अपने उसको हितों में देखती है, पर आज के टाइम में जो हमारे में कट्टरवाद घुसा जा रहा है, जो कट्टरवाद, वो कट्टरवाद किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, उससे 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 दूर होना चाहिए।